एक होती है रॉयल्टी और फिर आती है भारतीय रॉयल्टी। समृद्धि और भावुकता का प्रतीक जो आज भी मौजूद है, उनमें से कई ने अपनी रियासतें खो दी, लेकिन शाही परिवारों में से कई आज भी हैं जो अपनी राजसी जीवन शैली बनाए हुए हैं। ये आज भी ऐसा जीवन जीते हैं जिसका हमें से कई बार सपना ही देख सकते हैं। चांदी की चम्मच लेके पैदा होना कौन पसंद नहीं करेगा। उनके यही जीवन जीने के तरीके ने हमें हमेशा से मंत्रमुग्ध किया है। लेकिन शाही प्रतीक के पीछे की कुछ सच हैं जो आज भी अंधेरे में हैं। आज हम आपसे बातें करने वाले हैं शाही परिवारों के कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजकुमार मनवेंद्र सिंह गोयल पहले ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने सबके सामने ये माना था कि वो गे हैं। बाद में उनके परिवार ने उनको ये बोलकर बेदखल कर दिया कि वो उनके खानदान को दाग लगा रहे हैं। जूनागढ़ के नवाब के बारे में कहा जाता है कि उनके पास 800 से ज़्यादा कुत्ते थे और हर कुत्ते को संभालने के लिए एक अलग से आदमी। उन्होंने एक बार अपने महल में 2 कुत्तों की शादी भी करवाई थी। हमने ये अक्सर सुना है कि राजाओं की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। ऐसे ही थे पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह। महाराजा भूपेंद्र और पटियाला के बारे में कहा जाता है कि उनके 88 बच्चे थे और बहुत सारी रानियां। वो साल में एक बार अपनी पत्नियों के सामने नंगा घूमा करते थे, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि वो जिंदा हैं और सलामत भी। हर राजा को अपनी सत्ता छिन जाने का डर लगा रहता है और ऐसा ही डर था हैदराबाद के निजाम को। जब उनको लगा कि सरकार उनकी सारी संपत्ति छीन लेगी तो उन्होंने अपना सारा धन ट्रक में छुपा दिया। बाद में यह सारा धन टमाटर के बीच में रखे होने की वजह से खराब हो गया। जयपुर की महारानी गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो रॉयल परिवार की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी, लेकिन उनकी किस्मत उनकी खूबसूरती जितनी अच्छी नहीं थी। पहले तो उनके पति की बोलो खेलते वक्त मृत्यु हो गई, उसके बाद में 1997 में उनके बेटे की भी मौत हो गई। राजकुमारी राजेश्वरी रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर की उत्तराधिकारी हैं। ये अर्जुन अवार्ड विनर और पूर्व शूटर भी हैं। ये राजस्थान में कई धार्मिक ट्रस्ट संभालती हैं और लालगढ़ महल और हेरिटेज होटल की मालकिन भी हैं। हमने कितने ही क्रूर राजाओं की कहानी सुनी है और इन्हीं क्रूर राजाओं के बीच में थे महाराजा अशोक, जिन्होंने सत्ता पाने के लिए अपने 100 भाइयों में से 99 को मार डाला था और एक भाई को अपना उपराजा बनाया था। बाघों का शिकार करना रॉयल फैमिली का हमेशा से टाइम पास रहा है और वो अकेले ही बाघों की संख्या कम करने के लिए जिम्मेवार हैं। अंग्रेजों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो बाघों का शिकार आयोजित करते थे। त्रिपुरा रॉयल फोर्ट में आज भी 30 बाघों के खाल से भरा हुआ कारपेट मौजूद है। गायत्री देवी की माँ महारानी इंदिरा देवी को फैशन का बहुत शौक था। कच्छ बिहार की इस रानी ने सेल्वटर फेरेगामा 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध डिजाइनरों में से एक से 100 जोड़ी जूतों का आदेश दिया था। इनमें से कुछ जूतों में तो हीरे भी लगे थे। मुगल साम्राज्य की औरतें दिन में कई बार कपड़े बदलती थी और दोबारा उन कपड़ों को कभी नहीं पहनती थी। वो अपने इन पुराने कपड़ों को अपनी दासियों को दे देती थी। मीर ओसवान अली खान सिद्दीकी प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। 1940 में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। उस टाइम पे भी वो एक अरबपति थे। उस समय भी उनके पास $2 बिलियन थे, जो उस समय अमेरिका के 2% इकोनॉमी के बराबर थे। उस टाइम पे उन्होंने द जेकब डायमंड नाम के दुनिया के सबसे बड़े हीरे को $200 मिलियन में खरीदा था और उसको महज एक पेपर वेट की जगह यूज किया था। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने कारीगरों को 2 विशाल चांदी के घड़े बनाने का आदेश दिया था ताकि वो इंग्लैंड जाते समय उनमें गंगा जल लेके जा सकें। हद होती है रॉयल्टी की यार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।